हम लोग को तीन इक्वेशन पता है, जैसे कि आपका तीन थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हमको मालूम है। पहला इक्वेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होगा, है ना। एंड थर्ड इक्वेशन क्या होगा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस होता है। तो स्टूडेंट देखो, हम यहाँ पर एक ट्रिक पढ़ेंगे, है ना, बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको अगर हम जान लिए तो हम कई सारे न्यूमेरिकल हम यहाँ पर बना पाएंगे। देखो, हम जब बोलेंगे भुट्टा, वी यू टी ए, वी यू टी ए, तो आप बताइए कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जब भुट्टा आएगा। देखो, भुट्टा मतलब यहाँ पर वी भी है, यू भी है, ए भी है और साथ साथ टी भी है, क्लियर। सो जब हम बोलेंगे भुट्टा तो आप बोलिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्टूडेंट हम लोग कुछ ट्रिक सीखते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, एकदम तैयार रहिए आप लोग, है ना, न्यूमेरिकल रेडी रहिए आप लोग। क्या क्या चीज़ आपको मालूम होना चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले, देखो एक चीज़ बता दूँ आपको, ना यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको ना किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, जैसे कि आपको दिया रहेगा आपका किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर ये आपका ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, दिस इज स्पेशल यूनिट, ओके स्पेशल यूनिट। सो किलोमीटर पर आवर को आपको क्या करोगे कि आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो आपको ये मालूम होना जरूरी है कि आप कैसे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड होता है। अब देखो, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, बचा तुम्हारा 10/36, तो ये बन जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको 5/18 मिलेगा। मान लो 54 किलोमीटर पर आवर ऐसा दिया गया है, 54 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या करना है आपको, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो 54 लिखो। अब मीटर किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 15/5/18, तो 5/18, तो ये डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, अभी ये 3, ये 15 मीटर पर सेकंड। तो आपने जब 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो कितना मिला आपका, है ना, 15 मीटर पर सेकंड हुआ। उसी तरह नाउ आप बात करते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 को 72 लिख दो, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच ना, 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड। देखो मारा 4 में, 18 4 = 72, तो 2 4 5 20 20 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं हम लोग 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 को 90 से रखने दो, इसको रहने दो, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये 5 आएगा 5 5 = 25 25 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट तो ये हमको ना थोड़ा मालूम होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 5/18 होगा। जब भी हम कोई भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखिए आप लोग 5/18 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जितना भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यू दिया रहेगा। दूसरा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को स्टूडेंट, है ना। देखो स्टूडेंट, जब आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और एक्सेलरेशन पूछा होगा, है ना, नहीं तो ये यू पूछा होगा, वी टी ए देकर यू पूछ देगा, कुछ भी हो स्टूडेंट, ये क्या बन रहा है, वी यू टी ए अगर प्रोनाउंस करेगा तो भुट्टा होगा। जब ऐसा भुट्टा आ रहा है, वी यू टी ए आ रहा है, तो आप बोलिए वहां पर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब जब भुट्टा ऐसे प्रोनाउंस करेंगे तो फॉर्मूला बोलिए फास्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, तो क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन में आएंगे, जैसे कि एस यू टी ए आएंगे, तो ये क्या हो गया, एस भी है, यू भी है, टी भी है, ए, मान लीजिए तीनों दे दिया और ए पूछे, नहीं तो कोई भी तीनों देकर और थर्ड फोर्थ वाला पूछ रहा है, तो एस यू टी ए, एस यू टी ए मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा होता है।
ठीक है। दूसरा भूसा आ जाइए, VUSA भूसा। तो जब भूसा आ जाएगा तो आप क्या बोलिएगा कि V थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स दैट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2S। इसे कुछ ट्रिक को आप याद रखिए और इतना चीज हम यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, ये सामने आपका सवाल एक है, ए बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ओके, आफ्टर 5 सेकंड इट एक्सीलरेटेड टू 54 किलोमीटर पर आवर है। क्या ये एक्सीलरेशन है क्या? एक्सीलरेटेड टू मतलब बढ़ जाना, बढ़ गया, कितना वेलोसिटी बढ़ गया उसका, 54 किलोमीटर आवर, ऐसा बढ़ के इतना हुआ, बढ़ के इतना हुआ, है ना। इट इज नॉट एक्सीलरेशन स्टूडेंट, इट इज वेलोसिटी, क्योंकि देखो यूनिट से पता चलता है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का होता है। चलो डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन करते हैं ना। पहला सॉल्यूशन क्या दिया है, बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। जब कोई बोलेगा ना बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट और कमिंग टू रेस्ट, बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी कैम टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0, वहां पर इतना आपको याद रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। टाइम कितना दे दिया, टाइम इज इक्वल तुम्हारा 5 सेकंड दे दिया। और क्या दे दिया, इट एक्सीलरेटेड टू मतलब फाइनल वेलोसिटी बढ़ के कितना हुआ वेलोसिटी उसका ना, 54 किलोमीटर पर आवर। अभी तुरंत बताया था जब आपको किलोमीटर पर आवर दिया गया है तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे कि 5/18 में मल्टीप्लाई कर देना, सीधा सीधा बात है ना, 54 इंटू 5/ तुम्हारा 18, तो ये कट जाएगा तो कितना स्टूडेंट 3 आएगा, तो 3/5 से कितना होगा 15 मीटर पर सेकंड, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, क्या पूछा है, व्हाट वाज द एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको सवाल हो गया एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट, कुछ छुपा हुआ है आपको ढूंढना है, वही फिजिक्स स्टूडेंट, टू फाइंड द हिडन थिंग, कोई छुपा हुआ चीज को निकालो। देखो यहाँ पर VUTA तो तुरंत बनाइए, भूटा VUTA मैं बताया था, जब मैं बोलूंगा भूटा तो आप क्या बोलना, बी फास्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स वी इज इक्वल टू यू प्लस आपका 80, वी कितना है आपका, वी आपका 15 है, वी 15 डाल दो, यू कितना 0, ए कितना वो तो पूछा है ना, और टी कितना 5A, सो 5A इज इक्वल टू 15, ए बराबर कितना होगा 15/5 दैट इज यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सवाल खत्म, क्या कोई कष्ट था, डाटा क्या दिया है, देखो न्यूमेरिकल बनाने का टाइम स्टूडेंट ध्यान रखिए कि दिया क्या गया है, दीज आर द गिवन थिंग, यू दे दिया, टी दे दिया, वी दे दिया, पूछ लिया आपको ए, ठीक है, आप डाटा लिख लीजिए, पूछा क्या है ए, ओके फाइन। अब जब इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे, केयरफुली देखोगे, देखो यहाँ पर VUTA तो क्या बन रहा है, भुट्टा क्या होता है, जब मैं पहले बताया था अगर मैं बोलूँगा भुट्टा तो आपको क्या बोलना है कि फास्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। सबको हर चीज़ को सब्स्टिट्यूट करो, अननोन चीज़ को फाइंड करो, तो आंसर आपको मिल गया, सवाल खत्म।